हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, जैसा जान रहे हैं आप कि अभी सीजन आ रहा है, तो ये देसी भुट्टे का देसी भुट्टे आ रहे हैं अभी। वैसे तो स्वीट कॉर्न हम पूरी साल आती ही रहती है, होती है मार्केट में अवेलेबल, लेकिन ये देसी भुट्टा जो है इसी सीजन में, इसी मंथ में आते हैं, जब सावन का महीना आता है तब। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ढेर सारा, सभी व्यूअर को मेरी तरफ से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गाइज, अब मैं भुट्टे की पहचान बता रही हूँ कि आपको किस तरह का भुट्टा लेना है। ये जिसके हेयर जो है ना, पके पके एवं काले होते हैं ना, उसे लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें दाने भरे होंगे अंदर में, खाली नहीं होगी और ज़्यादा कच्ची भी नहीं होगी, ताकि हम इसे कोई रेसिपी नहीं बना सकें। तो आज हम इसको तीन तरीके से बताने जा रहे हैं रेसिपी, कि हमें इसे किस तरह भून के खाना है और कैसे इसका प्रयोग करना है। तो चलिए, हम सबसे पहले, ये देख पा रहे हैं आप कितना दाना है, सबसे पहले हम सबको छील लेते हैं। ये देखिए, तीनों भुट्टा को हमने छील लिया। देखिए दाना किस इस तरह है। तो एक तो हमने आग पे भून के आपको बताएंगे, जो मार्केट में मिलती है काफ़ी, एक भुट्टा जो 10-15 रुपए की मिलती है, वो आसानी से आप घर में बना सकते हैं, एक भून के दिखाएंगे। और एक आपको दाना छुड़ा के तकरीबन उसे बॉयल करके बताएंगे, और एक दाना छोड़ा जो आप भून नहीं सकते हैं, भूनने में टाइम लगता है, उसको भी हम आपको कैसे भून के खा सकते हैं बताएंगे आपको। तो चलिए, एक को हम आपको बताते हैं कि इसका दाना छुड़ाने का तरीका कैसे है। ये है, जैसे एक धारी बना लीजिए किसी तरह, एक देखिए इस प्रकार दाना छूट रहा है। देखिए, एक लाइन अगर इसकी बना लेंगे ना धारियाँ, तो सारे भुट्टे आसानी से निकल जाएंगे इसके दाने। देखिए, एक हमने दाने बना के दिखाते हैं। देखिए, इस तरह एक लाइन बना दिया हमने, अब आसानी से उतर जाएगा। देखिए देखिए, कुछ इस प्रकार, कितना आसान, इजली निकल रहा है इससे। यह है भुट्टा छुड़ाने का तरीका। तो चलिए, हम इसका दाना तब तक निकालते हैं, और दूसरे को हम कैसे पकाना है, इसको हम बॉयल कर लेते हैं। इसको दो टुकड़ों में कर लेते हैं, और इसको हाफ बॉयल कर, एक सीटी तक इसे हम बॉयल कर लेते हैं। कुकर में सीटी करेंगे आप, या तो दाना छुड़ा के ओपन में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे कुकर में, जल्दी हो जाएगी इसलिए मैं कर रहे हैं। चलिए, इसका हम दाना छुड़ा लिए हैं। तो ये दोनों को आपको भून के बताएंगे कैसे पकाते हैं। और ये जो हम इसको हम आग पे पकाएंगे डायरेक्ट, तो इसको हम पीछे के साइड से एक फॉक से ऐसे डाल देंगे, ताकि इसे, इसके लिए हमने एक जाली लिया है, जाली को पे हम इसको रख देंगे। ये फॉक इसलिए हमने डाला ताकि हमें पलटाने में सुविधा होगी। और इसका गैस का फ्लेम जो है गाइस, लो रखेंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर अगर हाई कर देंगे तो ये जल्दी जल जाएगी। इसलिए आप देखे होंगे मार्केट में, देखिए आवाज़ करना शुरू हो गई, मार्केट में देखे होंगे वो हमेशा पंखे की हवा से उसको टेम्परेचर देता है कोयले में, इसलिए हम इसको फ्लेम जो है नीचे रखेंगे, लो रखेंगे बिल्कुल, ताकि ये घूमते जाएगी। देखिए स्टार्ट हो गया घूमना इसे पलटाने में, ताकि आपको हाथ ना जले, इसके लिए फॉक जरूरी है। जब तक हमारी भुट्टा भून रही है, तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, जो मार्केट वाले डालते हैं ना नींबू के साथ। इसे ये हमने थोड़ी सी काला नमक लिया है, थोड़ी सी ये नॉर्मल नमक, ये थोड़ी सी भुना जीरा, और ये गाइस थोड़ा सा चाट मसाला, और एक छोटा सा नींबू हमने काट लिया, तो हम डालेंगे। गाइस, ये देखिए हमारा भुट्टा भूनकर तैयार हो गया। इसे हम भुट्टा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे छल्ली भी बोलते हैं। तो इसे देखिए, अब हम चलिए इसमें मसाला लगाते हैं। चाहे तो आप मिर्ची मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है, अगर आप तीखा खाते हैं तो। चलिए, सारे मसाले को हमने मिला लिया इस प्रकार। उसके बाद ये नींबू लिया, और ऐसे करके इसे खड़े करके ये देखिए भुट्टा तैयार हो गया। आप इसे सर्विंग कैसे करते हैं, ऐसे करके खाइए। ये देखिए,
एक रेसिपी तैयार होगी गाइस। चलिए दूसरी रेसिपी, अगर आप वो उस तरह का भून नहीं पाते हैं, आपको लग रहा है कि टाइम लगता है, तो हम आज आपको ये कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है, इसे हम इसे पलट देते हैं बिना तेल का। चलिए ये भी आसानी से भून जाती है। ये देखिए गाइस, ये अभी भून चुकी है। चलिए हम इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसी में सेम मसाला वही जाएगा, चाहे तो आप इसमें, आपकी मर्जी है, प्याज टमाटर खाएंगे जो भी, इसमें वही मसाला जो हमने पहले उसमें घिसा था वही। इसमें हम थोड़ा सा लेमन का जूस इस कर देते हैं इसमें। इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह का भून के आप खा सकते हैं। देखिए दूसरा रेसिपी हमारा तैयार हो गया है। ये तीसरी रेसिपी है जो हमने बॉयल किया था, तो अब ये भी तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा हमने डाल दिया, थोड़ी सी काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी प्लेन नमक, थोड़ी सी भुना जीरा और ये जाएगी चाट मसाला। अगर चाट मसाला ना हो तो थोड़ी सी आमचूर डाल दीजिएगा। अब इसको अच्छी तरीके से हम कोट कर लेंगे कुछ इस प्रकार। थोड़ी सी मैदा ज़्यादा हो गया, आप इसे में कम डाल सकते हैं। चलिए अब हम इसे तल के दिखाते हैं। हमने लिया है फ्राई पैन, फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसके लिए हमें तेल चाहिए। आप सरसों या रिफाइन जो मर्जी हो आप इसमें तल सकते हैं। चलिए इसे हम डाल देंगे। ये देखिए गाइस, हमारा ये फ्राई हो गया है। अब इसमें हम नींबू डाल देते हैं थोड़ी सी, उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। चलिए तो ये हमारा तैयार हो गया है। इसे हम प्याज स्लाइस काट के और ये दो मिर्ची हमने थोड़ा सा तेल में फ्राई किया है और ये नींबू से सर्व करते हैं। तो आपने देखा ये तीन डिश हमने बना के तैयार किया कॉर्न का। अभी इसका देसी भुट्टा का प्रचलन है, आप इसे घर में तैयार कीजिए। तो चलिए हम इसे सर्व करके तीनों को डिश को दिखाते हैं। चलिए गाइस, ये देखिए तीन डिश हमारा बनके तैयार है। चलिए आप भी घर में बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।